hope you all are doing good. Welcome back to my channel. I am Neha and you're watching Punjabi Kudi in Norway. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसको प्लेस ऑफ पैराडाइज यानी कि जन्नत भी कहा जाता है. जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने. आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्वे के बारे में. डिस्कस करेंगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेबली बोलना पसंद करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या नॉर्वे में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, और भी कई सवालों के जवाब वो अक्सर पाने के लिए बेताब रहते हैं. अगर आप भी नॉर्वे में मूव होने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. एंड डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में आपको 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलने वाले हैं नॉर्वे कंट्री के बारे में. तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं. एजुकेशन सिस्टम इन नॉर्वे इज वेरी हाई एंड इज एब्सोल्युटली फ्री. प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिल्कुल ना के बराबर हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिल्कुल फ्री हैं, और यही कारण है कि नॉर्वे का लिटरेसी रेट 99% है. फ्रेंड्स, मैंने बात करी स्कूल्स एंड कॉलेजेस की, लेकिन किंडरगार्टन्स यहाँ फ्री नहीं है. किंडरगार्टन्स में 1 साल से 6 साल तक के बच्चे जाते हैं, और अगर आपका भी बच्चा 1 साल से 6 साल तक का है तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किंडरगार्टन भेजना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज किंडरगार्टन्स यहाँ पर ऑप्शनल है. लेकिन ये पॉलिसी स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. यहाँ की गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि हर एक बच्चा यहाँ पर स्कूलिंग एजुकेशन जरूर ले, और यही कारण है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है. मेरी बेटी 1 साल और 9 महीने की है, और मैं प्रेफर करती हूँ कि वो किंडरगार्टन जाए. नॉर्वे इज वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्री, एंड लाइक ऑल अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इट्स ऑल्सो हाईली टैक्स्ड इकोनॉमी. तो अगर आप नॉर्वे में रहते हैं तो आप किसी भी तरह से अपनी इनकम को छुपा नहीं सकते. यहाँ पर एक वेबसाइट है जो हर महीने एक स्पेसिफिक डेट को इम्प्लॉयज जो कि वर्किंग होते हैं उनकी सैलरी को पब्लिश करती है, जो सिर्फ वही देख सकते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर टैक्स चोरी नहीं होता. और अगर हम बात करें वेलफेयर स्टेट की, तो जी हाँ, नॉर्वे इज अ सोशल वेलफेयर स्टेट. All the mommies, they get 46 weeks of full paid maternity leave, और साथ ही साथ daddies को 15 weeks full paid maternity leave मिलती है. और अगर आप unemployed हैं तो government की तरफ से एक amount आपको दिया जाता है, और अगर आप बीमार हैं तो आपका पूरा medical treatment government देखती है. कहने का मतलब है कि अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो government मेरा पूरा medical treatment का खर्चा उठाएगी. टैक्स फॉर टीवी. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. तो क्या आपने कभी टीवी का टैक्स दिया है? अगर आप नॉर्वे में रहते हैं तो आपको टीवी का भी टैक्स पे करना पड़ेगा. टीवी किसकी जरूरत नहीं है? कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट के माध्यम से यूज करते हैं, तो कुछ दुनिया भर की खबरें पाने के लिए. तो अगर आप नॉर्वे में रहते हैं और अपने घर पर टीवी लगाते हैं तो आपको अराउंड 3000 नॉर्वेजियन क्रोनर हर साल टीवी का टैक्स पे करना पड़ेगा. लेकिन एक गुड न्यूज है, वो ये है कि इस साल यानी कि ईयर 2020 से NRK जो कि नॉर्वे का नेशनल चैनल है, उसकी लाइसेंस फी इंडिविजुअल्स को नहीं देनी होगी, क्योंकि इसकी फंडिंग गवर्नमेंट करेगी. और साथ ही साथ ही साथ इंडिविजुअल्स की इनकम में से हर महीने कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, जिसे मीडिया टैक्स भी बोला जाता है. नॉर्दर्न लाइट्स. नेचर को कौन नहीं देखना चाहता? अगर आप भी नेचुरल ब्यूटी के दीवाने हैं तो नॉर्वे इज द परफेक्ट प्लेस टू विजिट. नॉर्दर्न लाइट्स का ये अद्भुत नजारा भी आपको नॉर्वे में ही देखने को मिलेगा. ट्रॉम्सो सिटी जो कि नॉर्वे का पार्ट है, वहाँ पर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेंगी. पर्सनली मुझे नॉर्वे में रहते 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं नॉर्दर्न लाइट्स को नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही आती हैं. तो अगर आपको भी नॉर्वे आने का मौका मिले तो नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ नॉर्दर्न लाइट्स को देखे बिना बिल्कुल वापस नहीं जाइएगा. 6 महीने दिन और 6 महीने रात. जी हाँ, नॉर्वे ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है. स्वालबार्ड आइलैंड जो कि नॉर्वे का पार्ट है, वहाँ पर आपको ये अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. 20 अप्रैल से 22 अगस्त तक स्वालबार्ड आइलैंड पर सूरज डूबता ही नहीं है. मैं नॉर्वे के ओस्लो सिटी में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. अप्रैल से जुलाई तक यहाँ पर सूरज दिन में तो दिखाई देता ही देता है, बल्कि रात में भी दिखाई देता है. बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रात के 11:30 या 12 बजे तक आपको सूरज दिखाई देता है.
और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रात के 2:30 या 3 बजे सूरज दोबारा से चढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि शाम हो गई हो। और यही कारण है कि लाखों टूरिस्ट हर साल नॉर्वे विजिट करते हैं इन अद्भुत नजारों का मजा और लुत्फ उठाने के लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। I will be back with the more interesting videos in the upcoming weeks. Tab tak ke liye, take care. Bye bye.